अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं काले चने बना रही हूँ तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। रेसिपी तो मेरी चैनल पे मौजूद है पूरी, तो ये छोटा सा व्लॉग आज बनाएंगे हम। इसके लिए चने जो हैं वो मैंने 250 ग्राम लिए हैं, और प्याज जो हैं वो भी रफली चॉप कर लिए हैं, टमाटर और लहसुन के जो हैं 15 से 20 चवे जो हैं वो लिए हैं। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालेंगे इसके अंदर हसब ज़रूरत। अंदर हम डालते हैं सुरख मिर्च का पाउडर, वो भी डालेंगे जी 1 चम्मच जो है भर के। हल्दी जो है वो डालेंगे इसके अंदर, 1/2 टेबल स्पून डालूँगी मैं। और जी प्रेशर लगा देंगे, प्रेशर चने गल जाएंगे तो फिर जी इसको भुनेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारे चने जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल या घी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने 1/2 कप लिया है। और ये पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे इसको। टेबलस्पून जो है वो मैंने मेथी का इसके अंदर ऐड की है। और चने जो हैं हमारे माशाल्लाह से बन चुके हैं, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से। 1-2 मिनट के लिए और भुनेंगे, फिर इसके अंदर पानी डालेंगे और शोरबा करेंगे इसका। जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, अब शोरबा तैयार होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें जी खजूरें हैं जो कि 1/2 किलो हैं, और इनमें से ना मैंने बीज जो है वो सारे निकाल लिए हुए हैं, ये ऐसे देखें। और इनको अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब हम ना इसके बहुत ही प्यारा सा डिज़र्ट बनाएंगे, इसके लड्डू बनाएंगे, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आप लोग इसको रमज़ान में भी इंजॉय कर सकते हैं। और अभी जो है मैं इसको चॉप करती हूँ, और चॉप करके तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी इनको ना मैंने चॉपराइज कर लिया है, और ये बादाम, पिस्ते और काजू तीनों चीज़ें हैं, बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त रेमडी है। और अब इनको हम खजूरों के अंदर डालेंगे। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तीन जो हैं वो हमने प्लेट में डाले हैं, और लड्डू बनाएंगे अब। माशाल्लाह से रेडी हो गया, इसी तरह हम सारे जो हैं वो बना लेंगे। ये देखें जी लड्डू हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं, आप भी इस तरह बनाएं और अपने बच्चों को दें, एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू जो हैं देखें माशाल्लाह से, मैंने कुछ छोटे साइज़ के बनाए और कुछ बड़े साइज़ के। करेले जो हैं वो हम काट लेंगे, अभी जो है करेले की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार आज मैं आपको करेले बनाना सिखाऊंगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि करेले जो हैं हमारे कड़वे बनते हैं, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बताऊंगी आज माशाल्लाह से। देखिए इतने प्यारे 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 कलर है इसका।
कौन कहता है कि करेले जो हैं कड़वे बनते हैं। आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा, एक ज़रा भी आपको कड़वे नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। दिन को मैंने चने बनाए थे और जी अभी जो है करेले बनाएंगे। ये देखें जी, कटिंग जो है ये होगी, साफ हो गया। अब इसको हम पीसेस में कटिंग करेंगे। जूलियन पीस जो है वो मैं इसके कटिंग करूंगी। आप मोटे भी काट सकते हैं, बारीक भी काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छे लगे। आपने करेले बहुत ही तरीक़ों से बनाए होंगे, आप मेरी वीडियो से बना के देखिएगा आपको कैसे लगते हैं। मैं कटिंग कर लूँ फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से कटिंग जो है करेलों की हो गई है। अब मैं धनिया जो है वो काटूँगी। धनिया जो है वो मैंने साफ काट लिया था, अब इसकी कटिंग करते हैं। आपको पता है ना, धनिया आजकल कितना महंगा हुआ है, तो इसलिए काट के फिर मैं इसको फ्रीज कर देती हूँ। ये देखें जी, कटिंग हो चुकी है हमारी। अब जो है हम हांडी बनाएंगे। आपको बताते हैं करेले बनाने का आसान तरीका और कड़वे ना बने जिससे। करेलों में हम डालेंगे नमक हसबे ज़रूरत, और जिसके अंदर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च, चाट मसाला हम इसके अंदर डालेंगे, और जी हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया जो है वो साबुत इसके अंदर डाल देंगे। मैंने डाला है इसके अंदर सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून। बेसन हम इसके अंदर डालेंगे 5 टेबल स्पून, खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो इसके अंदर हम डालेंगे 5 भर के। पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखेंगे अच्छी तरह से करेलों को जो है ना बेसन मसाले जो है वो सारे लग चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखेंगे ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये करेले जो हैं वो डाल देंगे। ये ऑयल, इसमें मैंने पकौड़े बनाए थे तो इसलिए जो है ना इसका थोड़ा कलर चेंज है, तो मैंने कहा ज़ाया क्यों करना है। ऑयल ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग डालें, बस इनको फ्राई करना है आपने। ये देखें जी, एक साइड से जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। अब इनको हम अल्टी पल्टी कर लेंगे इनकी, और अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इनको पकाएंगे। ये देखें जी, हमारे करेले जो हैं वो हो गए रेडी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया इनका, गोल्डन गोल्डन। और इस तरह हम निकाल लेंगे और बाकी जो रह गए हैं उनको भी हम कर लेंगे फ्राई। ये बाकी जो रह गया हमारा बैटर, इनको भी हम कर लेंगे फ्राई, सेम वैसे ही जैसे पहले किए हैं हमने फ्राई। और फिर जी इसका मसाला हम रेडी करते हैं। ये देखें जी, करेले फ्राई हो गए, रेडी हो गए हैं। अब जो है हम मसाला बनाएंगे इसका। प्याज जो है वो मैंने 2 रख लिए हैं और उनको चॉप कर लिया स्लाइसेस में, और जिसमें करेले फ्राई किए थे वो भी उसी में से मैंने जो है ना 1/2 कप ऑयल का इसके अंदर डाला है।
और इसको हम पकाएंगे, गोल्डन करेंगे इसको, हल्का हल्का जो है ना बस कलर देंगे इसको। ये देखें जी, प्याज जो है हमारे छोटे हो चुके हैं इस तरह बस। और अब हम इसके अंदर जो है ना डालते हैं टमाटर, दो दस मैंने टमाटर लिए हैं और उनको ना मैंने ग्राइंड कर लिया, ये पेस्ट बना लिया। और जी इसके अंदर हम डालते हैं सूरज मिर्च का पाउडर जो है ना, एक चम्मच भर के मैंने डाला इसके अंदर। नमक डालेंगे जी हसबे ज़रूरत, और जी हम हल्दी डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून। और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखेंगे मसाला जो है हमारा बहुत ही प्यारा रेडी हो गया। अब इसके अंदर जो हमने करेले फ्राई किए थे वो डालेंगे इसके अंदर। और इनको मिक्स कर लेंगे। करेले जो हैं वो हमारे हो गए रेडी। नींबू का रस जो है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। दो दस मैंने नींबू लिए हैं और उनका रस जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। हरा धनिया जो है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे खूबसूरती के लिए। और जी ये जो चने बनाए थे इनके ऊपर भी हम डालेंगे हरा धनिया। और जी हमारी रेसिपी जो है वो हो गई है रेडी। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं तीनों। चलिए जी व्यूवर्स, आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आप सबको कैसी लगी मेरी रेसिपी। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।